क्रांतिकारी बदलाव एम्बुलेंस के माध्यम से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्थित स्टेट हैंगर में झारखंड की जनता के लिए पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। बता दें सेवा वर्तमान में रांची से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ और तिरुपति प्रमुख गंतव्य के रूप में निर्धारित किए गए हैं। रांची के अलावा देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह और दुमका में भी ये सेवा उपलब्ध होगी। इसका लाभ न केवल पैसे वाले लोग ही कर पाएंगे बल्कि गरीबों को भी इस एयर एम्बुलेंस का लाभ मिलेगा, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद की है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अच्छे ट्रीटमेंट के अभाव में मरीज दम तोड़ देते हैं। अगर मरीज को फौरन इलाज के लिए दूसरे राज्य जाना हो तो एयर एम्बुलेंस के अभाव में कई मरीजों की जान चली जाती है। हालांकि अब झारखंड वासियों को इस समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुविधा राज्य वासियों के लिए उपलब्ध करा दी है। आइए जाने एयर एम्बुलेंस सेवा की खासियत। एयर एम्बुलेंस की सेवा मरीजों द्वारा कंफर्म करने पर 2 घंटे के भीतर एम्बुलेंस आपके लिए उड़ान भरने को तैयार रहेगा। साथ ही एम्बुलेंस को रिशेड्यूल करने की भी सुविधा है। मरीज को दूसरे राज्य ले जाते समय एम्बुलेंस में तमाम जरूरी उपकरणों के साथ डॉक्टरों की भी सुविधा मिलेगी। आइए जाने कितना होगा एयर एम्बुलेंस का किराया। रेट की बात करें तो मरीजों को रांची से दिल्ली ले जाने का किराया 5 लाख होगा, रांची से मुंबई ले जाने का किराया 5 लाख, रांची से चेन्नई के लिए 8 लाख रुपए और रांची से कोलकाता के लिए 3 लाख, रांची से हैदराबाद के लिए 7 लाख रुपए, रांची से वाराणसी के लिए 3 लाख 30 हजार रुपए, रांची से लखनऊ के लिए 5 लाख और तिरुपति के लिए 8 लाख रुपए लगेंगे। एयर एम्बुलेंस से ऐसे करें संपर्क। अगर आपको एयर एम्बुलेंस की सेवा लेनी है तो आप इस फोन नंबर पर 8210594073 और 06514665515 पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा का उपयोग सिर्फ जो पैसे दे सकते हैं वही कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आवश्यकता अनुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता उसको भी एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की मंशा हमारी सरकार की है। इसमें सिर्फ जो पैसे दे सकते हैं वही जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आवश्यकता अनुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता है उसको भी सरकार एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने का, उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी, यह भी सरकार का मंशा है। सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, सबके लिए स्वास्थ्य सेवा एक बराबर होना चाहिए, यह हमारा मानना है। चाहे वो राजनेता हो, कोई भी हो, इसीलिए आज ये हम लोगों ने एक पहल किया है सड़क मार्ग से लाने का। सड़क मार्ग से लाते लाते रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। अब हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जगह जगह पर सड़क के किनारे भी हेलीपैड बने और हेलीकॉप्टर से उन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाए ताकि समय का बचत हो सके और अगल बगल के बड़े अस्पतालों में उनको पहुंचाया जा सके। वहीं एयर एम्बुलेंस के पायलट ने सुविधा को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे पास डॉक्टर टीम है, एडवांस डॉक्टर टीम है, सफिशिएंट पायलट है और क्वालिफाइड पायलट है सारे, और एयरक्राफ्ट फुली आईसीयू कंडीशन में है। कोई भी इन रूट इमरजेंसी या कुछ होता है तो उसके लिए हम मेडिकली हमेशा अवेलेबल है। और सीएम साहब का धन्यवाद, उन्होंने स्टार्ट किया है, तोहफा दिया है झारखंड की जनता। क्या क्या तैयारी है आप लोगों की तरफ से? सर पूरी तैयारी है, जो भी एक मेडिकल और एयर सपोर्ट जो भी रहता है कम्प्लीटली पूरा तैयारी हमारी। अच्छा, अभी आज से कुछ होने वाला है क्या? अभी देखते सर, वो तो मेडिकल पे सर, हम तो दुआ करेंगे जरूरत ना पड़े किसी को कभी मेडिकल की। हाँ। बट अगर पड़ती है तो उसके लिए हमें। टाइमिंग क्या प्रोसीजर है, मैंने कितने समय में? 2 घंटे विदिन 2 आवर्स हम एयरबोर्न हो जाएंगे। बता दें कि इस एयर एम्बुलेंस में हर तरीके की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे मरीजों को आराम मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ये एयर एम्बुलेंस सेवा राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। पंजाब केसीटीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।